तो लीजिए दोस्तों, आखिरकार इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज, यूपी पुलिस एग्जाम पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त का बड़ा अपडेट आ चुका है, जहां पर अब परीक्षा होगी रद्द। जी हां दोस्तों, भर्ती बोर्ड का नया आदेश हुआ जारी। आपको बता दें, अभ्यर्थियों के लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, अब पेपर लीक नहीं बल्कि इन 5 मामलों की होने जा रही है जांच शुरू। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, तो बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक द रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार दोस्तों, जिस चीज का यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर अभ्यर्थियों के लिए दो सबसे बड़ी खुशखबरी एक साथ जारी की गई है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में जो पेपर लीक की जानकारी निकलकर सामने आई है, इसको लेकर बोर्ड की तरफ से कमेटी गठित कर दी गई है। यानी कि एक कमेटी बनाई गई है जो इसकी पूरी पूरी जानकारी लेगी और पूरी जो है इसकी जांच करेगी। तो सबसे पहले खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए इस बात की है कि यहां पर इसकी जांच को लेकर जो कमेटी का गठन है वो कर दिया गया है। अब ये कमेटी जो होगी अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगी, और अगर यहां पर पेपर लीक संबंधित जांच सही पाई जाती है तो डेफिनेटली इस भर्ती को रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर अभ्यर्थियों के लिए इस चीज को लेकर है कि यहां पर जो ये कमेटी बनाई गई है, ये केवल पेपर लीक की ही जांच नहीं करेगी बल्कि 4 और ऐसे मामले हैं जिनकी भी पूरी पूरी यहां पर जांच की जाएगी। तो यहां पर चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से इस वक्त का बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, एकदम लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोस्तों लिखा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बोर्ड ने गठित की कमेटी, पेपर लीक समेत इन मामलों की अब होगी जांच। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ने पर आपको दिखा देते हैं कि यूपी सिपाही भर्ती, यहां पर लिखा है दोस्तों, आपको देख सकते हैं, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों के बीच बोर्ड ने एक्शन लेते हुए कमेटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति भी बना दी गई है। यहां पर दोस्तों आगे इसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि यहां पर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर एक मामले में अब बोर्ड ने एक्शन लेते हुए जो जांच कमेटी है उसका गठन कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि यहां पर पेपर लीक ही नहीं बल्कि यहां पर और भी जो जांच है उसको लेकर भी शुरुआत कर दी गई है। यहां पर दोस्तों जरा हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जानकारी लिखा है कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने कहा है कि लगातार पेपर लीक होने की शिकायतें मिल रही थी। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर फोटो की अपलोड ट्रेंडिंग कर चलाया था, जिसे ध्यान में रखते हुए एडीजी अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहने वाली है जांच की, वो होने वाली है पेपर लीक संबंधी की। दूसरी, यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो कमेटी होगी, ये यहां पर इन मुद्दों की जांच करेगी, जिसमें से सबसे पहला होगा पेपर लीक का। दूसरा यहां पर होगा कि पेपर की छपाई में जो गड़बड़ी की गई है उसको लेकर भी जांच की जाएगी। आपको पता होगा कि दोस्तों यहां पर जो पेपर की गड़बड़ी हुई थी, उसमें देखने को मिला था कि कई सारे अभ्यर्थियों को ऐसा पेपर दिया गया था जिसमें कुछ क्वेश्चन ठीक से छपे भी नहीं थे। तो यहां पर पेपर की छपाई में गड़बड़ी को लेकर जो है उसकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा पेपर जो है कुछ सेंटरों में देरी से पहुंचा था, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे एडमिट कार्ड देखने के लिए मिला था, शायद एक एडमिट कार्ड ऐसा देखने के लिए मिला था जिसमें सनी लियोनी की जो फोटो थी वो भी एडमिट कार्ड में देखने के लिए मिल गई थी। तो ऐसी जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, इनको लेकर जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। तो यहां पर दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि यहां पर अब केवल एक जांच नहीं बल्कि यहां पर जो कमेटी गठित की गई है वो 5 से भी ज्यादा जो है उन मुद्दों पर यहां पर जांच करेगी और पूरा यहां पर जो ब्यौरा होगा उसको डेटा को तैयार करके सौंपेगी। और ये दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर यहां पर पेपर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है या फिर पेपर डायरेक्टली यहां पर लीक हुआ है तो दोस्तों यहां पर री एग्जाम्स आपका जरूर होना चाहिए। और इसको लेकर हम लगातार आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे और आपको सटीक जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला खराब हो चुका है क्योंकि लगातार मैं आपके लिए सटीक अपडेट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ में दबाकर शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ में जुड़ जाइए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि दोस्तों अब सभी के सपोर्ट से ही भर्ती को लेकर जो भी है वो पूरी तरीके से क्लियर भर्ती हो पाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।